जाए खाना मैम, रुके एक सेकंड, आप इस वक्त नहीं जा सकती, रुके मैम प्लीज रुके। कदर मैम, ये बगैर हिजाब की खातून अंदर आ गई हैं। कोई बात नहीं, आप जाएं। क्या हुआ? इसको बचाने के लिए तुम पागल हुए जा रही थी? इस शख्स को जानती भी हो क्या कारनामा सर अंजाम देके आए? मेरी अम्मी के पास मेरा निकाह की दावत लेके गए थे ये, पूछो इनसे। अपने लिए शौहर, अपनी बेटी के लिए बाप बचाना चाहती थी ना तुम? इस काबिल है ये शख्स? अरे कुछ लोग ता कयामत नहीं बदलते, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम, घटिया इंसान। और तुम मिस्टर वासे अहमद, जितनी भी घटिया पेशकश कर लो ना, तुम सुकून तुम्हें नहीं मिलने वाला, ये बात याद रखना। दूसरों की खुशियां खाई जरूर जा सकती हैं, हजम नहीं की जा सकती। तुम इसी तरह बेचैन मौत मरोगे, याद रखना ये बात। संभालो इसको। बड़ा धोखा, आपके जमीर ने आपको इस जगह ला खड़ा किया कि इतनी बड़ी हरकत करने से पहले आपने एक दफा भी मेरे बारे में और अपनी इस बेटी के बारे में नहीं सोचा? ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में कि आप उसको बांटने के लिए निकल गए? बताए मुझे, जवाब दें, और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे मुझे, बताए। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे लिए मेरी बच्ची और तुम दुनिया में सबसे अनमोल हो, मैं तुम दोनों के बगैर मुकम्मल नहीं हूं। लेकिन इस वक्त मैं जिस तपते सहरा में खड़ा हूं, मुझे सिर्फ दो बूंद पानी चाहिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत बांटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं कदर से शादी करके उसका शौहर उससे लौटाना चाहता हूं, जो मुश्किलें उसकी जिंदगी में मेरी वजह से है वो दूर करना चाहता हूं, ताकि को सुकून मिले। देख रही हो हालत मेरी, मुझे लगता मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो रहा हूं, मुझे कुछ हो गया, मेरे दिमाग चलने में मदद करो। अगर मेरी बातें तुम तक पहुंचे, मैं माफी मांगता हूं तुमसे, मैं क्या करूं? मैं जो समझ में कह दिया मैंने, और कुछ समझ ही नहीं आया मुझे, सारी जिंदगी इस बेचारी के साथ कैसे जीऊंगा मैं।